प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, प्रश्नावली 11.3 का। डैनियल एक ऐसे घनाभकार कमरे की दीवारों को छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है, तो उस कमरे की लिए उसे पेंट के कितने कैनों की आवश्यकता होगी। डैनियल के पास वो डैनियल जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, दीवारों को और छत को पेंट कर रहा है, तो उसकी जो कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है यहाँ पे दे रखी है, और ये भी बता रखा है कि जो पेंट का एक कैन है वो कमरे को 100 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, उसको पेंट कर देता है एक कैन। तो पूरे कमरे को पेंट करने के लिए कितनी कैन की आवश्यकता होगी, तो हमें यहाँ पे यही बताना है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कमरे की दे रखी है, तो पहले कमरे का जो है पेंट किए जाने वाला जो कमरा उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखो ये भी एक फॉर्मूला होता है, 2BH इंटू 2LH इंटू LB, और अभी तक हम जो लगाते आ रहे हैं वो हमने ये फॉर्मूला लगाया, तो इसको अभी हम ऐसे कट कर देती हूँ, क्योंकि ये भी फॉर्मूला इससे भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक हम इससे निकालते आ रहे हैं, तो इसी से निकालेंगे। एल प्लस बी इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू हाइट क्या है, जो छत है उसके लिए लेंथ इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा है, और चार दीवारों के लिए ये फॉर्मूला लगा है। तो दो लेंथ है 15, ब्रेथ है 10, हाइट है 7, लेंथ है 15, ब्रेथ और हाइट है 10, ठीक है। यहां पर आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ ये बी है, ठीक है। आप दोनों को प्लस किया 25, 25 आ गया, 7, 15 और 10 को गुणा किया 150 आ गया, दोनों को गुणा किया 50 आ गया, 7 और 150 दोनों को गुणा किया 350 जमा 150, 500 मीटर स्क्वायर जो कमरे का क्षेत्रफल निकल आया जो उसको पेंट करना है। तो एक कैन की संख्या निकालने के लिए पेंट करने वाला जो क्षेत्रफल है, यानी कमरे का क्षेत्रफल, और एक कैन जो है वो, एक कैन का क्षेत्रफल नहीं, मतलब यहाँ पर है कि एक कैन जो है कितना क्षेत्रफल कवर करती है, 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं एक कैन द्वारा कवर किया गया क्षेत्रफल लिख सकते हो यहाँ पे, कि एक कैन जो है वो कितना कमरा पेंट कर रही थी, 100 मीटर स्क्वायर। तो कमरे का जो क्षेत्रफल है वो 500 मीटर स्क्वायर है, और एक कैन जो सिर्फ 100 मीटर स्क्वायर वो कमरा पेंट कर रही है, तो कितनी कैन लग जाएंगी, 0 से 0 कट जाएगी, तो 5 कैन जो है उसको पूरा कमरा पेंट करने में लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5। आगे की वीडियो में हम आगे के प्रश्न करेंगे, सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।